हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो में आप लोगों का खूब सारा स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो का टॉपिक है किसी भी चीज़ को पाने के लिए जब सक्सेस ना मिले। अगर हम किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, लेकिन हमें सक्सेस नहीं मिल रहा, तो कभी भी फ्रेंड्स रास्ते बदलिए, इरादे नहीं। हमेशा इस अगर कोई चीज़ नहीं मिल रहा है तो हमें उसे कैसे पाना है उसका तरीका बदलना है। उस चीज़ को पाना ही नहीं, छोड़ देना है। तो फ्रेंड्स, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, मान लीजिए हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमको सफलता नहीं मिल रही है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल नहीं सक्सेस मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हम उसे पाने ही छोड़ दें या फिर उसकी चाहत ही ख़त्म कर दें। ऐसा नहीं है, आप अपने एक बार रास्ते बदल के देखिए, शायद आपको इससे बेटर कुछ एक्सपीरियंस भी मिले और आपको चीज़ें भी मिले। तो सक्सेस का एक यही रूल है कि हमेशा अपना तरीका बदलिए, इरादा नहीं। मैं जानती हूँ कि लोगों को मोटिवेट करना बहुत आसान है, लेकिन खुद को मोटिवेट करना बहुत 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 ही ज़्यादा टफ है। मैं खुद कभी कभी डिमोटिवेट हो जाती हूँ, लेकिन खुद को मोटिवेट करना बहुत हार्ड है। मैं खुद का वीडियो देखती हूँ ताकि मैं कुछ मोटिवेट हो सकूँ, क्योंकि जब मैं खुद को मोटिवेट नहीं कर पा रही हूँ तो लोगों को क्या मोटिवेट करूँगी। मेरा दिमाग में हमेशा यही एक ख्याल आता है। तो इसीलिए कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है, हमेशा मेहनत कीजिए। शायद आपका आज कल आपके आज से बेहतर होगा। तो हमेशा अपने कल को आज से बेटर बनाइए, और बेटर बनाने के लिए मेहनत कीजिए। खुद में एक नया स्किल डेवलप कीजिए, एक नया स्किल डेवलप कीजिए। सीखना कभी बंद मत कीजिए, चाहे आप कितना भी एज के क्यों ना हो, सीखना कभी मत बंद कीजिए। और हमारे लाइफ का हर एक दिन हमें कुछ ना कुछ नया ज़रूर सिखाता है। बस फर्क कितना है, कोई सीखता है और कोई फालतू में गंवा देता है। तो हमें अपने हर एक दिन से कुछ ना कुछ सीखना है, कुछ ना कुछ स्किल अपने अंदर लाना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है। मैं हमेशा बोलती हूँ, खुद को इम्प्रूव कीजिए। तो इम्प्रूवमेंट ऐसे नहीं मिलेगा, जब तक आप सक्सेस नहीं होइएगा तब तक इम्प्रूव नहीं मिल सकता है। इम्प्रूव तो मिलेगा, आप अपने आप को बहुत बेटर बनाते चले जाएंगे, लेकिन उसका परिचय कि आप में इम्प्रूवमेंट आ चुका है, वो आपके सक्सेस होने के बाद ही मिलेगा। या फिर आप यहाँ हैं या यहाँ हैं, चाहे आपकी सैलरी 50,000 है या आपकी सैलरी 50 लाख है, लेकिन इम्प्रूव कुछ ना कुछ ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा बोल गई, 50,000 50 लाख, 50,000 के जगह 50 रुपया भी हो सकता है, ये पैसे की बात अलग है। तो खुद को इम्प्रूव कीजिए, हर दिन कुछ नया सीखिए, हर दिन कुछ नया सीखिए। कोई भी दिन हो, फालतू में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। टाइम, समय बहुत अनमोल होता है, जो समय की कदर नहीं करते समय भी उसकी कभी कदर नहीं करता है। और किसी भी चीज़ को पाने की अगर चाहत है ना, तो उसको जिद में बदलिए और उसके लिए दिन रात मेहनत कीजिए। अगर वो नहीं मिल रहा है तो हमेशा तरीका बदलिए, इरादा कभी नहीं बदलिएगा। अगर आप इरादा बदल जाएंगे तो आप जहाँ हैं, आप जहाँ 2 साल पहले थे, आप फिर से आप वहीं पहुँच जाइएगा। 2 साल आगे तक नहीं जा सकते हैं, इसलिए हमेशा तरीका बदलिए, खुद को इम्प्रूव कीजिए, खुद को मोटिवेट रखिए, हमेशा मोटिवेट रहिए। खुद को जो दिल दिमाग को पसंद हो वो काम कीजिए, जो खुद को पसंद हो, जो आपका दिल पसंद करता हो उस काम को कीजिए, ताकि आप हमेशा मोटिवेट रह सकें। बस आज के वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।